योगी बोले, दुनिया में चहक रहा सहारनपुर का नाम। पूछा, युवाओं को हाथ में तमंचे चाहिए या स्मार्टफोन। सहारनपुर में सीएम योगी ने विकास के मुद्दे पर विकास की योजनाएं गिनाकर युवाओं, महिलाओं और किसानों के मन को छुआ। शिल्पकारों की अनूठी कला से सहारनपुर का नाम विश्व पटल में चहक रहा है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने चिर परिचित अंदाज में सवाल किया, युवाओं को हाथ में तमंचे चाहिए या स्मार्टफोन। जवाब मिला, टैबलेट। योगी के अंदाज से पंडाल तालियों से गूंजता रहा। जनसभा में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई बार जिक्र किया। निकाय चुनाव के लिए आयोजित जनसभा में योगी ने कहा, चुनाव में रोड की कनेक्टिविटी से हर वर्ग का विकास हुआ है। यहां 18,621 गरीब लोगों को शहरी क्षेत्र में 18,621 आवास आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 21,505, ब्याज मुक्त ऋण 62,325, निराश्रित महिलाओं को 12,000 सालाना पेंशन। दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 1,285 समूह गठित किए गए, उनमें से 685 समूहों को रिवॉल्विंग फंड दिया जा रहा है। अकेले सहारनपुर में 4.68 लाख परीक्षार्थी गोल्डन कार्ड के तहत आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा हर वर्ग के लाभकारी योजनाओं का जिक्र किया है। पीएम का विजन, यूपी का मिशन। योगी ने पीएम मोदी का नाम कई बार लिया। उन्होंने कहा, पीएम का विजन यूपी का मिशन है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाओं को खासा फोकस किया। निकाय चुनाव के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया। कहा, यूपी में डबल इंजन सरकार की गति को बुलेट ट्रेन की तर्ज पर परिणाम सबके सामने है। उन्होंने सवाल किया कि 2017 पहले की जातिवादी सरकार चाहिए या गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार, ये तय करना है।